हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्राइंग के दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। पहले पार्ट में आउटलाइन है और दूसरे पार्ट में मैंने क्राउन को शेडिंग किया है। अगर आपने अभी तक वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां जाके चेक कर लेना। और इस ड्राइंग का फाइनल पार्ट है, इसमें हम बाकी का पोर्शन कम्प्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हेयर को ड्रॉ करने के लिए तीन लेयर दूंगी। फर्स्ट लेयर को देने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद उसे हल्के से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे हमें हेयर की डायरेक्शन में हेयर को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं सेकंड लेयर दे रही हूँ, इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड लेयर देने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और बीच बीच में मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके उसे हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आईज को ड्रॉ कर रही हूँ और इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये अच्छी खासी डार्क है, आप चाहे तो 8B का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम प्यूपिल को अच्छा खासा डार्क करेंगे और आयरिस को हल्का सा डार्क करेंगे तो दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके हल्का सा ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं शेडिंग करने के लिए एच ग्रेड पेंसिल का यूज कर रही हूँ और उसके बाद उसे हल्का सा ब्लेंड करूंगी। गाइज, रियलिज्म पे आप काम कर रहे हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम देके हमें हर एक चीज को ड्रॉ करना है, तभी रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आई लैशेज को ड्रॉ कर रही हूँ और इसके लिए मैं HB ग्रेड पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये न ज़्यादा पतली है और न ज़्यादा मोटी है, ये मीडियम साइज़ में है। यहाँ पे हम HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर देंगे और उसके बाद उसे हल्का सा ब्लेंड भी करेंगे। आप देखते जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद जहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गाइस, अब हम कवर करेंगे फोरहेड को। यहाँ पे हम हल्की सी शेडिंग करेंगे फर्स्ट लेयर में। इससे क्या होता है, जब आप इसे ब्लेंड करोगे तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आगे का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है, तो आप देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड लेयर दे रही हूँ, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क प्रोवाइड कर रही हूँ। अब बारी आती है आईब्रोज की, तो सबसे पहले बेसिक लेयर देंगे, उसके बाद उसे हल्का सा ब्लेंड कर देंगे, उसके बाद आगे मैं सेकंड लेयर देने के लिए 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। नोज को ड्रॉ करने के लिए हम HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर देंगे, उसके बाद उसे ब्लेंड करेंगे। जहाँ पे शैडो है वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हम हल्की सी शेडिंग करने वाले हैं। गाइज, यहाँ पे राइट साइड से लाइट पड़ रही है तो राइट साइड का जो पोर्शन है वो हाईलाइटेड होगा, तो उसके लिए मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, अब हम बाकी स्किन के पोर्शन को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लेयरिंग दे देते हैं, उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर देते हैं। उसके
उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे शैडो है और कहाँ पे हाईलाइट किस तरह से पड़ रही है, तो उसके हिसाब से हमें ड्राइंग करनी है। तो गाइज अब हम ड्रॉ करते हैं लिप्स को। इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमें लिप्स को छोटी छोटी लाइंस में ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद उसे ब्लेंड करके सेकेंड लेयर दे देते हैं और हाइलाइटेड पोर्शन को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्टोन हैं, तो उनको ड्रॉ करने के लिए मैं पहले बेसिक लेयर देके उसके ऊपर व्हाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी और ग्लिटर जैसा इफेक्ट दे दूँगी। तो गाइस अब बारी आती है नेकलेस ड्रॉ करने की। यहाँ पे हम रेफरेंस फोटो में जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ड्रॉ करते जाएंगे। ये जो नेकलेस है वो पूरा का पूरा व्हाइट स्टोन का है, तो पहले हम बेसिक लेयर दे देंगे, उसके बाद उसे हम व्हाइट जेल पेन का यूज़ करके डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। Thank you.
यहाँ पे जो बाकी के एक्सेसरीज हैं उनको भी अच्छे से हम ऑब्जर्व करके ड्रॉ करेंगे। गाइस अब हम साड़ी को ड्रॉ करेंगे। बेसिक लेयर हमने पहले ही दे दी है। यहाँ पे जो साड़ी है वो जरी वाली लग रही है तो हम उस तरह का टेक्सचर दे देंगे। पहले हम डार्क लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसे ब्लेंड करके उसके ऊपर हम व्हाइट जेल पेन का यूज़ करके लाइंस बना देंगे तो जरी वाला टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पे साड़ी पे स्टोन लगे हुए हैं तो क्राउन बनाते वक्त हमने जिस तरह से स्टोन को ड्रॉ किया है उसी तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।